हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने थे, फैक्टर निकालने थे प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस्ड पर। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवेन है आपको, गिवेन दैट, ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन 4 आप लिखेंगे। देखो एक साइड मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप बुक लेकर बैठिए एनसीईआरटी की और आप मैच करते चलिए। ठीक है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, मींस एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर है 306 एंड 657, इनका एचसीएफ है 9। फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि एलसीएम क्या होगा। आपको दो नंबर पता है तो फॉर्मूला पता है एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एच सी एफ गिवेन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है एल सी एम, तो एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एच सी एफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स जो दो नंबर हैं 306 एंड 657, इनको प्रोडक्ट करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और एचसीएफ इज गिवन 9। ठीक है, अब कट कर दीजिए, 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह जाएगा, 9 4 जा 36, यानी कि 34 मल्टीप्लाइड बाई 657, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22,338। ठीक है, 22,338 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, आप आंसर मैच करा लेना। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, बेसिक सा है, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब यहाँ पर आपको हो सकता है एल सी एम गिवेन होता, एच सी एफ पूछ लेता, यहाँ पर आपको एच सी एफ गिवेन है, एल सी एम पूछ लिया। ठीक है, या फिर किसी एक नंबर को पूछ लेता, एलसीएम दिया होता, एचसीएफ दिया होता, एक नंबर दिया होता, कोई दूसरा नंबर पूछ लेता। इस फॉर्मूले पे तीन क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने को, एचसीएफ फाइंड आउट करने को, या इन दोनों में से कोई एक नंबर फाइंड आउट करने को। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, आप इसे नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मीन्स जो 6 पावर n है क्या 0 से एंड हो सकता है, लास्ट डिजिट इसका 0 हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे, डिविजिबिलिटी आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखी है। सॉल्यूशन नंबर 5 है क्या इसमें, समझो 6 पावर n, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 2 3 जा 6 पावर n, किसी भी नंबर में वो 0 से एंड हो, इसलिए कंपलसरी है कि उसके लास्ट में 10 आए, मीन्स वो 10 से डिविजिबल हो, तभी उसके लास्ट में 0 आएगा, तभी वो 0 से एंड होगा। ठीक है, 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर आने चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 और 3 का फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फॉर एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट बी कंपल्सरी that it should be divisible by 10, or in other word it is the factor of 2 multiplied by 5, clear? But यहां पर आपने क्या देखा, so तो फिर इसके बाद आप लिखेंगे बट देयर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n, सो इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी
नेचुरल नंबर एन, ठीक है। स्टार्ट करना है यहाँ से, लिखते जाना है आपको यहाँ तक पूरा एन तक, ठीक है। पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। समझने के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर जीरो से एंड हो, जीरो डिजिट उसके लास्ट में आए, तो इसके लिए कंपलसरी है कि वो 10 से डिवाइड हो, या फिर 10 इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं 2 5 10, तो वो किसका प्रोडक्ट हो, 2 और 5 का प्रोडक्ट हो। बट इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 और इट कैन नॉट बी एंड बी डिजिट 0, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, या आप नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लो। फॉर एनी नंबर्स एंड विद डिजिट 0, इट मस्ट बी कंपल्सरी दैट इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10, और इन अदर वर्ड इट इज द फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, बट देयर इज 2 × 3 power n, सो इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 6। सबसे इजी, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन आनी चाहिए। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई इट्सेल्फ और 1, ठीक है। जो 1 से डिवाइड हो या इट्सेल्फ डिवाइडेड हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, तो या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या तो ये इट्सेल्फ डिवाइडेड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल MCQs में, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तब आप 1 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 2, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, नोट कर लेना इसको। स्मॉलेस्ट नंबर होने के साथ साथ जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, केवल एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड ऑल आर प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं ऑड। वो 2 के बाद आप देख ही रहे हो, कुछ भी हो सकते हैं बट वो ऑड में होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये हो गई। कंपोजिट नंबर, द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, 4 and 6, ये कैसे नंबर हुए, कंपोजिट नंबर हुए, ठीक है। इसमें 1 भी कॉमन है यहाँ पर, व्हिच हैव कॉमन 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर, मींस जिसके कई सारे फैक्टर हों, 1 और वो नंबर या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर 4 और 6 की बात करें, तो यहाँ पर इनके फैक्टर्स देखेंगे आप, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। ये आपको नोट करना है। इसके बाद आपको ये लिखना है 7 × 18 11 × 13 + 13। अब देखो, यहाँ पर 13 कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लिया, यहाँ क्या रह गया, 7 × 11, यहाँ पर 13 कॉमन हो चुका है, प्लस 1 बचा। 13 × 7 = 77 + 1 = 13 × 78, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखते हैं,
यहाँ पर कितने प्रोडक्ट मिल गए, दो। इसको और ब्रेक करें, 13 × 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 6 = 78, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2 factors 13 और 6, दो फैक्टर मिल गए, मोर देन वन फैक्टर हो गया। यहाँ पर वन फैक्टर होता है, यहाँ पर मोर देन वन फैक्टर होता है, तो मोर देन वन फैक्टर हो गए, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, हियर 2 factors 6 and 13, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको इतना लिखना है। फिर सेकेंड जो नंबर दिया है वो हम देखते हैं, सेकेंड नंबर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 6 = 42, ठीक है। 42 × 2 = 94 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 3 = 12 + 1 = 5 12 × 4 = 64 sorry 48 4 कैरी गया, 12 × 9 = 108 108 में 4 ऐड करेंगे, 108 + 4 = 112 + 1 = 5 × 1129, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, आप करके देख लेना कितना आ रहा है। यहाँ 94 ना होगा शायद, हाँ 84 हो जाएगा, है ना, ठीक है। 7 × 6 = 42 42 × 2 = 84, है ना। 84 × 4 = 12 + 1 = 12 × 4 = 48 4 कैरी जाएगा, 12 × 8 = 96 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 1009 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दो फैक्टर मिल रहा है, 5 × 5 and 1009, ठीक है। तो 5 और 1009 दो फैक्टर मिल गए, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप यही लाइन लिख सकते हैं, देयर आर 2 factors 5 and 1009, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। नोट कर लें आप इसको भी, समझ गए होंगे, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अब। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ते रहिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड है जिस पर सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, एक राउंड कंप्लीट होने में सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। वन राउंड में रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, ये हो गया रवि और ये हो गया सोनिया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम पाथ, एट द सेम डायरेक्शन, एट द सेम टाइम, मान लो ये इधर की तरफ मूव किए, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है मिलेंगे, बिकॉज रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है और जो सोनिया है वो ज़्यादा टाइम ले रही है। तो जब रवि ज़्यादा टाइम कम टाइम ले रहा है तो ये 12 मिनट में एक मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, जबकि सोनिया 18 मिनट में, तो रवि यहाँ से यहाँ तक फिर से आगे बढ़ चुका होगा। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रवि सोनिया से फिर से इसी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा निकालने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। तो लिख लो इसको, टोटल टाइम टू मीट एट द सेम पॉइंट अगेन इन वन राउंड इज इक्वल टू टाइम एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाई रवि एंड सोनिया इन वन राउंड,
ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो तो एलसीएम लेना है तो 12 और 18, इसका एलसीएम लेना है तो पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद वो फिर से मिलेंगे। तो 12 को आप क्या लिखते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3। 18 को 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, इसका मतलब दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया सोल्यूशन आपका, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इन डिटेल, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।